जजपा में जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव के बाद श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है, लेकिन जजपा की इस सफलता के पीछे मुख्य रूप से जिन नेताओं का योगदान है उनमें सतविंदर राणा का सबसे अहम योगदान है। पर्दे के पीछे की सारी कहानी बनाने, उसे क्रियान्वित करने व उसके अनुसार फैसले लेने के पीछे राजौंद से पूर्व विधायक सतविंदर राणा की भूमिका रही है। सतविंदर राणा वही जजपा नेता है जिन्होंने दीप मलिक जाखोली को जिला परिषद का चुनाव लड़ने की प्रेरणा दी, साथ ही जजपा के कई नेताओं व कार्यकर्ताओं को साथ जोड़ा, दीप मलिक जाखोली की पार्षद के तौर पर जीत में अहम योगदान दिया। इसके बाद सतविंदर राणा ही थे जिन्होंने सबसे पहले दीप मलिक जाखोली को जिला परिषद चेयरमैन बनाए जाने की दिशा में प्रेरित किया। जजपा के शीर्ष नेताओं को साधने, उन्हें दीप मलिक के नाम पर राजी करने, जिला पार्षदों को एकजुट करते हुए भ्रमण पर ले जाने जैसे निर्णयों में सतविंदर राणा का अहम योगदान है। सतविंदर राणा ही अकेले ऐसे नेता हैं जो पंचायत समिति राजौंद, कलायत के चुनाव व जिला परिषद कैथल के चुनाव में भी भाजपा नेताओं पर हमलावर रहे हैं। आज अपने नंबर बनाने के लिए बेशक कई जजपा नेता दीप मलिक जाखोली के साथ फोटो खिंचवाकर अपने आप को गेम चेंजर साबित करना चाहते हैं, लेकिन जजपा के ही लोग बता रहे हैं कि सतविंदर राणा को सोसेबाजी नहीं आती, वे केवल काम करने में विश्वास रखते हैं। सतविंदर राणा ने जजपा के जिला परिषद चेयरमैन चुने जाने पर अपने योगदान पर तो कुछ नहीं कहा, उन्होंने महज इतना कहा कि जजपा के लिए यह बड़ी उपलब्धि है, सभी कार्यकर्ताओं को बधाई। जजपा सुप्रीमो डॉक्टर अजय चौटाला, डिप्टी CM दुष्यंत चौटाला व दिग्विजय चौटाला के कुशल मार्गदर्शन में पार्षदों के साथ देने व स्वयं युवा पार्षद दीप मलिक जाखोली की योग्यता से यह सफलता मिली है। दीप मलिक जाखोली पूरे जिले में समान विकास कार्य करवाएंगे। हमने तो अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखे हैं, बीजेपी ने बता दो कौन सा कैंडिडेट डिक्लेयर कर रखे हैं। तो उनके पास संख्या नहीं है, इस वजह से प्रशासन का उन्होंने फायदा उठाया। और यहाँ पे मैं तो सीधा कहता हूँ कि यहाँ राज्य मंत्री है, उसके दबाव में आके प्रशासन ने ये जो आज पोस्टपोन किया है, तो ये बहुत गलत बात है।